हेलो फ्रेंड्स, सी प्रोग्रामिंग सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करें। तो सबसे पहले मुझे एक बाइनरी नंबर की जरूरत पड़ेगी, तो वो नंबर मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ। लेट्स से इंटीजर बी, उसके बाद सीएलआर एससीआर लिख देता हूँ ताकि मुझे कोई प्रीवियस आउटपुट दिखाई ना दे, और लास्ट में मैं गेट सीएच लिख देता हूँ। अभी जो ऊपर हमने बी डिक्लेयर किया वो हमें यूजर के पास से लेना है, तो इसी वजह से मैं यहाँ पे एक प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, और उस प्रिंट एफ स्टेटमेंट के अंदर मैं मैसेज छोड़ रहा हूँ एंटर अ बाइनरी नंबर, और उसके बाद उसके अप्रोप्रिएट एक स्कैनएफ स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, और उस स्कैनएफ स्टेटमेंट के अंदर मैं मैसेज ले रहा हूँ परसेंटेज डी एड्रेस ऑफ बी। अभी सपोज हम बाइनरी नंबर के तौर पे 1011 एज्यूम कर रहे हैं, यानी कि इसका इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर है 11। अभी बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर के अंदर कन्वर्ट करने के लिए मुझे उसका जो भी यूनिट डिजिट है उसको 2 to the power 0 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसका 10th डिजिट है उसको मुझे 2 to the power 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसका 100th डिजिट है उसको 2 to the power 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और लास्ट में उसका 1000th डिजिट है उसको मुझे 2 to the power 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और इसका जो भी आंसर आता है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि 1 into 2 to the power 0 यानी कि 1 प्लस 1 into 2 to the power 1 यानी कि 2 प्लस 0 into 2 to the power 2 यानी 4 एंड 1 into 2 to the power 3 यानी कि 8। तो हम बोल सकते हैं कि 1 into 1 1 प्लस 1 into 2 2 प्लस 0 into 4 0 प्लस 1 into 8 यानी कि 8, जो हमें 11 देगा। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि मुझे बाइनरी नंबर के हर एक डिजिट को सेपरेट करना पड़ेगा। सबसे पहले मेथड के अंदर मैं पीछे वाले 1 को सेपरेट करता हूं, और उसके बाद हमारे पास 101 रहेगा। सेकेंड इटरेशन के अंदर मैं 101 में से मैं पीछे वाले 1 को अलग करता हूं तो हमारे पास 10 बचेगा। थर्ड इटरेशन के अंदर मैं 10 में से 0 को अलग करता हूं और हमारे पास 1 बचेगा, और लास्ट इटरेशन के अंदर मैं 1 को अलग करता हूं और हमारे पास 0 बचेगा। सेकेंड तरीके के अंदर 1011 में से मैं आगे वाले 1 को अलग करता हूं और मेरे पास 011 बचेगा, उसके बाद 011 में से मैं 0 को अलग करता हूं तो मेरे पास 11 बचेगा, उसके बाद 11 में से मैं आगे वाले 1 को अलग करता हूं तो मेरे पास 1 बचेगा, और लास्ट इटरेशन के अंदर मैं 1 को अलग करता हूं तो मेरे पास 0 बचेगा। अभी यहां पे हम देखें तो अगर 1011 में से मुझे पीछे वाला 1 चाहिए तो मैं सिंपल सा ऐसा लिख सकता हूं कि 1011 मॉड्यूलो 10 और 1011 डिवाइड बाय 10, तो मुझे 101 मिल जाएगा। सेकेंड इटरेशन के अंदर मैं 101 को 10 से मॉड्यूल करता हूं तो मुझे 1 मिलेगा, और 101 को मैं 10 से डिवाइड करता हूं तो मुझे 10 मिलेगा, उसके बाद 10 को मैं 10 से मॉड्यूल करता हूं तो मुझे 0 मिलेगा, और 10 को मैं 10 से डिवाइड करता हूं तो मुझे 1 मिलेगा, और लास्ट इटरेशन के अंदर मैं 1 को 10 से मॉड्यूल करता हूं तो मुझे 1 मिलेगा, और 1 को मैं 10 से डिवाइड करता हूं तो मुझे 0 मिलेगा। अभी सेकेंड केस के अंदर मैं 1011 को 1000 से डिवाइड करता हूं तो मुझे 1 मिलेगा, और 1011 को मैं 1000 से मॉड्यूलो करता हूं तो मुझे 011 मिलेगा। सेकेंड इटरेशन के अंदर मैं 011 को 100 से डिवाइड करता हूं तो मुझे 0 मिलेगा, और 011 को 100 से मॉड्यूल करता हूं तो मुझे 11 मिलेगा। थर्ड इटरेशन के अंदर मैं 11 को 10 से डिवाइड करता हूं तो मुझे 1 मिलेगा, और 11 को 10 से मॉड्यूल करता हूं तो मुझे 1 मिलेगा, और लास्ट इटरेशन के अंदर मैं 1 को 1 से डिवाइड करता हूं तो मुझे 1 मिलेगा, और 1 को 1 से मॉड्यूल करता हूं तो मुझे 0 मिलेगा। यानी कि जो हमारा फर्स्ट केस है उसके अंदर हम देखें तो हमने नंबर को 10 से मॉड्यूल एज वेल एज डिवाइड किया है, और सेकेंड केस के अंदर हमने नंबर को 1000, 100, 10 and 1 से डिवाइड एज वेल एज मॉड्यूलो किया है। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर हम फर्स्ट अप्रोच को चूज करें तो वो हमारा बेटर अप्रोच रहेगा। तो अभी हम फर्स्ट अप्रोच के ऊपर मूव होते हैं, जहां पे 1011 और कुछ नहीं लेकिन हमारा बाइनरी नंबर बी है, और उसके ऊपर हम मॉड्यूलो 10 परफॉर्म करते हैं तो हमें बी मॉड्यूलो 10 मिलता है,
और उसका जो भी आंसर आता है लेट्स से उसको हम r नाम के वेरिएबल के अंदर सेव करते हैं, यानी कि हम ऐसा लिखते हैं कि r इज इक्वल टू b मॉड्यूलो 10। उसके बाद 1011 को हमने 10 से डिवाइड किया, यानी कि हम ऐसा लिख सकते हैं कि b डिवाइडेड बाय 10। और अगर उसका जो भी आंसर आता है उसको हम q नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं। अभी जब सेकेंड इटरेशन के अंदर हम आएंगे उस वक्त ऊपर वाला सेम इटरेशन अगर हम लिखे यानी कि b मॉड्यूल 10, तो b की वैल्यू हमारे पास 101 होनी चाहिए, यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि पहले इटरेशन के बाद b की वैल्यू चेंज हो जाती है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि अगर फर्स्ट इटरेशन के अंदर b डिवाइडेड बाय 10 का जो भी आंसर है वो 101 आता है और वो हमने q के अंदर सेव करवाया है, उसकी जगह पे हम b के अंदर सेव करवाए, तो नेक्स्ट इटरेशन के अंदर हमें b की वैल्यू 101 मिल जाएगी। तो हमने वहां पे q की जगह पे b इज इक्वल टू b डिवाइडेड बाय 10 लिख दिया है, और सेकेंड इटरेशन के अंदर जब हम b के ऊपर 10 मॉड्यूल परफॉर्म करेंगे तो हमें 101 के ऊपर 10 मॉड्यूल होके मिलेगा और उसका आंसर हमें 1 मिलेगा। और उसके बाद फिर से हम b इज इक्वल टू b डिवाइडेड बाय 10 ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो हमारे पास 10 रहेगा। नेक्स्ट इटरेशन के अंदर r इज इक्वल टू b मॉड्यूल 10 हमें 10 के ऊपर 10 मॉड्यूल करके देगा, यानी कि हमें 0 देगा, और b इज इक्वल टू b डिवाइड बाय 10 हमें 1 देगा। और उसके बाद वाले यानी कि हमारा लास्ट इटरेशन है उसके अंदर हम लिखे तो b मॉड्यूल 10 हमें 1 देगा और b इज इक्वल टू b डिवाइडेड बाय 10 हमें 0 देगा। यानी अब हम यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं कि हमने एक जैसा टास्क मल्टीपल टाइम रिपीट किया है तो उसके लिए हमें लूप की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं एक वाइल लूप ले लेता हूं और उस while loop के अंदर हमें एक कंडीशन रखनी पड़ती है। तो यहाँ पे हम देखें कि जब तक हमारी b की वैल्यू 0 नहीं हो जाती तब तक हमने ये ऑपरेशन परफॉर्म किया है। तो मैं सिंपल सा यहाँ पे लिख देता हूँ कि b does not equals to 0 ना हो तब तक हमें ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है। और हर एक बार लूप के अंदर के इटरेशन के बारे में देखें तो r is equals to b मॉड्यूल 10 हमने लिखा है और b is equals to b divided by 10 हमने लिखा है। अभी जो फर्स्ट टाइम हमें रिमाइंडर मिलता है यानी कि जो यूनिट प्लेस वाला नंबर है उसको हमें 2:0 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो हमारी r की वैल्यू आई उसको हमने 2:0 से मल्टीप्लाई किया। सेकेंड टाइम हमने जो r की वैल्यू है उसको 2:1 के साथ मल्टीप्लाई किया। थर्ड टाइम r की वैल्यू को हमने 2:2 के साथ मल्टीप्लाई किया और फोर्थ टाइम हमने r की वैल्यू को 2:3 के साथ मल्टीप्लाई किया। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमें यहाँ पे एक इटरेशन लिखना पड़ेगा और उस इटरेशन के अंदर हम सिंपल सा लिखेंगे r into पावर ऑफ 2 ऑफ i, जहां पे हमारी i की वैल्यू हर बार चेंज होती है। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर हम i की वैल्यू फर्स्ट टाइम 0 ले तो सेकेंड टाइम i की वैल्यू को हमें इंक्रीमेंट करके 1 कर देना है। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक बार हम पावर फंक्शन का यूज कर ले उसके बाद हमें i की वैल्यू में इंक्रीमेंट करना है, यानी पे यहाँ पे मैं i++ लिख देता हूं। अभी लूप के अंदर जो हमने r और i नाम के वेरिएबल का यूज किया है वो r और i नाम का जो भी वेरिएबल है वो ऊपर मैं डिक्लेयर कर देता हूँ। लेट अस से r और i इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि i की इनिशियल वैल्यू हमें 0 लेनी है। कि यहाँ पे हमारा आंसर 1 आता है तो उस 1 को हमें सम के अंदर ऐड करना है, यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि 0+1। नेक्स्ट टाइम जो भी हमारा सम का आंसर है 1 उसके अंदर हमें 2 ऐड करना है, यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि अब हमारा आंसर 3 हो जाएगा। उसके बाद हमारे सम का आंसर है 3 और उसके अंदर हम 0 ऐड करते हैं तो हमें आंसर के तौर पे 3 मिलता है। और लास्ट केस के अंदर हम 3 के अंदर 8 ऐड करते हैं तो हमें 11 मिलता है। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि मुझे एक और सम नाम के वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी और वो सम नाम के वेरिएबल को मैं ऊपर डिक्लेयर कर देता हूं। लेट अस से d और उसकी इनिशियल वैल्यू में 0 ले लेता हूं, यानी कि हम यहाँ पे देखें तो d की इनिशियल वैल्यू 0 है, उसके अंदर हमने जो r इंटू 2^i लिखा है उसकी वैल्यू जो भी आई उसको एड किया और जो भी रिजल्ट आया वो फिर से हमने d नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दिया, यानी d इज इक्वल टू 0+1=1 हो गया। तो हम यहाँ पे सिंपल सा वही फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं और मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि d इज इक्वल टू d
प्लस आर इंटू पावर ऑफ टू रेस टू आई, और लूप के बाहर अगर हम डी की वैल्यू को प्रिंट करवा दें तो हमें हमारा डेसिमल नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं सिंपल सा लिख देता हूं कि डेसिमल नंबर इज इक्वल्स टू परसेंटेज डी, और जो भी परसेंटेज डी की वैल्यू है वो डी से रिप्लेस हो जाएगी। अभी यहाँ पे हमने लूप के अंदर पावर नाम के एक फंक्शन का यूज किया है, तो वो पावर नाम का फंक्शन math.h लाइब्रेरी फाइल में बिलोंग करता है, तो मैं यहाँ पे वो हेडर फाइल भी लिख देता हूँ। लेट अस से has include math.h, यानी अब हम बोल सकते हैं कि हमारे प्रोग्राम का पूरा लॉजिक बन चुका है। तो सबसे पहले प्रोग्राम को हम सेव कर देते हैं, उसके बाद प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, और उसके बाद प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। जहां पे मैं बाइनरी नंबर के तौर पे 1011 इंसर्ट कर रहा हूं, और हमें आउटपुट के तौर पे मिल रहा है 11, जो कि परफेक्टली सही है। अभी एक और बार प्रोग्राम को रन करते हैं, जहां पे मैं बाइनरी नंबर के तौर पे -1011 इंसर्ट कर रहा हूं, और हमें आउटपुट के तौर पे मिल रहा है -11, जो कि परफेक्टली सही है, क्योंकि हमारा बाइनरी नंबर तो सेम का सेम है, लेकिन उसके आगे हमने माइनस साइन अप्लाई की, तो हमें डेसिमल नंबर भी सेम का सेम ही मिल रहा है, लेकिन उसके आगे भी माइनस साइन आ गई। अभी एक और बार प्रोग्राम को रन करते हैं, जहां पे मैं बाइनरी नंबर के तौर पे 11011 ऐड कर रहा हूं, और हमें आउटपुट के तौर पे मिल रहा है 27, जो कि परफेक्टली सही है। पर बाइनरी नंबर 11011 के लिए हमने हमारे कोड को मैन्युअली चेक नहीं किया, लेकिन आप खुद उसके ऊपर मैन्युअल चेकिंग करके हमारे आंसर को वेरीफाई कर सकते हो। एक और बार प्रोग्राम को रन करते हैं, जहां पे मैं बाइनरी नंबर के तौर पे 100000 इंसर्ट कर रहा हूं, और हमें आउटपुट के तौर पे मिल रहा है -72, जो कि गलत है, क्योंकि हमारा जो भी बाइनरी नंबर है वो इंटीजर की रेंज से बाहर चला जाता है, यानी कि हमें डेटा टाइप चेंज करनी पड़ेगी और इंटीजर की जगह पे हमें लॉन्ग इंटीजर लेना पड़ेगा। यानी अगर मैं यहाँ पे लॉन्ग इंटीजर ले लेता हूं, और जहां जहां पे भी मैंने परसेंटेज डी लिखा है उसकी जगह पे मैं परसेंटेज एल डी लिख देता हूं, तो मुझे आउटपुट सही मिल जाएगा। यानी अब हम प्रोग्राम को फिर से एक बार सेव कर लेते हैं, उसको कंपाइल करते हैं, और उसके बाद प्रोग्राम को रन करते हैं, जहां पे मैं बाइनरी नंबर के तौर पे 100000 इंसर्ट कर रहा हूं, और हमें आउटपुट के तौर पे मिल रहा है डेसिमल नंबर इज इक्वल्स टू 32, जो कि परफेक्टली सही है। यानी कि इस प्रोग्राम के थ्रू हम किसी भी नेगेटिव या पॉजिटिव बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर के अंदर इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको इस प्रोग्राम के अंदर अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।